राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत विधानसभा सत्र से पहले अपनी सरकार के कामकाज की समीक्षा शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सीएम ने सोमवार से दो दिन का चिंतन शिविर आयोजित किया है, जहां जयपुर के ओटीएस में होने वाले इस चिंतन शिविर में सभी विभागों के कामकाज का लेखा जोखा किया जाएगा और परफॉर्मेंस के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। आपको बता दें, इसी साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये चिंतन शिविर कई मायनों में अहम हो जाता है। वहीं चिंतन शिविर के जरिए बताया जा रहा है कि सरकार ये भी अंदाजा लगा सकती है कि राज्य के किन जिलों या क्षेत्रों में योजनाएं पहुंच गई हैं और किन इलाकों में आखिरी साल में फोकस करने की जरूरत है। माना जा रहा है कि चिंतन शिविर के बाद सरकार पिछड़ने वाले इलाकों में पूरी ताकत लगाएगी। देखिए, दो दिवसीय चिंतन शिविर मंत्रियों का और ब्यूरोक्रेट्स का, सेक्रेटरीज का हो रहा है। मैं समझती हूँ इसके माध्यम से राजस्थान की जनता को हम लोग क्या फैसले हमने किए, उनके बारे में क्या अब तक किया, क्या जन घोषणाएँ हम पूरी कर पाए, क्या बजट घोषणाएँ पूरी कर पाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए बहुत ही लाभकारी ये चिंतन शिविर रहेगा। कितने दिन चलेगा और आज पहले दिन में क्या होगा? दो दिवसीय शिविर है, विभिन्न विभागों के प्रेजेंटेशन होंगे। मैं समझती हूँ हम लोग अपने आकलन कर पाएंगे हमने क्या किया और क्या और कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा हो। कहा ये भी जा रहा है कि चिंतन शिविर के दौरान खुद मंत्री सरकार को बताएंगे कि उन्होंने 4 साल में क्या क्या किया है। इसके अलावा चिंतन शिविर में जानने की कोशिश की जाएगी कि पिछले 4 साल में सरकार ने जनता से जो वादे किए वो कितने पूरे हुए। इसके साथ ही 4 साल में जो 4 बजट पेश हुए उनकी कौन सी घोषणाएं कितनी पूरी हुई और कितनी अभी धरातल पर ही नहीं आ सकी है। देखिए, जो पिछले 4 वर्षों में सरकार की जन घोषणाएं हैं और बजट घोषणाएं हैं, उन सब का चिंतन शिविर यहाँ पे किया जाएगा और किस किस घोषणाएं के अंदर अगर कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है तो उस पर भी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। चिंतन शिविर नाम दिया जा रहा है, लेकिन आप मंत्री देरी से पहुँच रहे हैं, चिंतन नहीं है शिविर को लेके? मुख्यमंत्री 20 मिनट पहले आ गए, आप देरी से आ रहे हैं। देखिए, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं अभी अलवर से आया हूँ, रास्ते के अंदर एक कार्यक्रम था जिसकी वजह से थोड़ी देरी हुई है उसके लिए। आपको बता दें, 2 दिनों तक जयपुर में चलने वाले चिंतन शिविर में कुल 8 ग्रुप्स में प्रेजेंटेशन दी जाएगी, जहां मंत्री अपने विभागों के कामकाज को दिखाएंगे। कार्यक्रम के मुताबिक मंत्रियों के समूह बनाए गए हैं, जहां 8 समूहों में चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सेक्टर, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र और विविध क्षेत्र को शामिल किया गया है। चिंतन शिविर के बाद सरकार आने वाले दिनों में जिन कामों को पूरा किया जाना है उसका खाका तैयार करेगी, जहां इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को दी गई है।